इंसान के अंदर जज्बा और जुनून हो तो वो किसी भी तरह की चुनौतियों का सामना करते हुए कामयाबी की मंजिल पा ही लेता है। अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि कामयाबी पाने के लिए आर्थिक तौर पर मजबूत होना भी जरूरी है। हकीकत में पैसा जरूरी नहीं, इंसान मेहनत और लगन से कामयाबी पा ही लेता है। कुछ ऐसी ही कहानी है प्रिंस की, जिनके पिता सब्जी बेचते हैं। आइए प्रिंस से सुनिए सफलता की कहानी। क्या कहेंगे, कैसे पढ़ाई करते थे आप? जी हाँ, मेरा जो पढ़ाई का शेड्यूल था, मैं अपने जल्दी के एक टारगेट सेट करता था, उसको कंप्लीट करने में मेरे को जितना टाइम लगता था मैं उसको उतना टाइम दे देता था, भले ही सुबह की ना हो जाए, मैं उसको कंप्लीट करके ही सोता था। जी, अच्छा, पटना से आपको कब बुलाया गया था? अब मेरे को 19 मार्च को शाम 4 बजे के आसपास कॉल आया था एंड 21 मार्च को बुलाया गया था। सवाल कैसा रहा वहाँ? जितना सारा कुछ जो बोर्ड में पूछा गया उसमें से भी थे, कुछ सिलेबस से भी था, जो सारा क्वेश्चन पूछा गया था सब सिलेबस में से ही था। सबसे टॉप क्वेश्चन क्या रहा उसमें आपका? मेरे को लगता है केमिस्ट्री में एक रिएक्शन मिला था, उसी को करने में थोड़ा सा हम घबरा गए थे। बाकी सारे क्वेश्चन? हाँ जी हाँ। और लोग क्या कहेंगे जो? और लोग को हम यही सजेस्ट देना चाहूँगा कि मैं वो डेली बेसिस पर पढ़ाई करे, कंसिस्टेंसी बनाए रखे, जिस दिन जो पढ़े उसको उसी दिन याद करे, कल पे ना छोड़े। पिताजी आपके क्या करते हैं? मेरे पिताजी सब्जी बेचते हैं। प्रिंस की कामयाबी से पूरे परिवार के लोगों में खुशी की लहर तो है ही, इसके साथ ही मोहल्ले के लोगों में भी जश्न का माहौल है। बिहार में तीसरा रैंक हासिल करने वाले प्रिंस कुमार के पिता बालासाह नवादा बाजार में ही टोकरी लगाकर सब्जी बेचते हैं। वहीं उनकी मां उर्मिला देवी घरेलू महिला है। माता पिता ने अपने बेटे की कामयाबी की खुशी जाहिर की है। आपके बेटा तीसरा स्थान पर है? तीसरा स्थान पर है। क्या कहेंगे, कितनी खुशी मिली? बहुत खुशी है। सोचे थे कभी मेरा बेटा? हम कभी नहीं सोचे कि सब्जी बेचने वाला का बेटा आएगा तीसरा स्थान लेकर, लेकिन बहुत मेहनत किए है, आया, बहुत दिल में खुश हुआ है। हाँ, आगे क्या प्लान है? आगे का प्लान यही है, जहाँ ले पढ़ेगा तहाँ ले हम पढ़ा देंगे अपने बेटा को। जी, भले दे बेचेंगे लेकिन पढ़ाएंगे। तो इनके माता जी भी है प्रिंस के, और इनसे भी जानेंगे, कितनी खुशी मिल रही है आज? बहुत दिल में खुशी बा। क्या कहेंगे, कितने घंटा पढ़ाई करते थे? पढ़ के आई लो, खाना खाई लो, नहीं खाई लो बढ़ जाइ लो पढ़े, रात भर पढ़ते रह जाइ लो, खाना दिए तो खाना लेना खाई लो, खाना तुप के छोड़ दिलो, फजीर हो जाए पढ़ते पढ़ते। खुशी मिल रही है? हाँ, खुश मैंने आज पढ़ला का खुशी मिल गई। आगे की प्लानिंग क्या है? प्लान है कि बाप वहाँ पिताजी सब्जी बेच ले, सब्जी बेच के जितना पढ़ी लो उतना पढ़ा देना। लोकल 18 गोपालगंज से आलोक कुमार।